सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज मैं टेस्ट बुक से ऑल इंडिया मॉक टेस्ट नहीं करने वाला हूँ, ओनली मॉक टेस्ट करने वाला हूँ। मॉक टेस्ट 10 है ये, और ये मॉक टेस्ट मैं ऑलमोस्ट 10 दिनों के बाद कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ रीजन की वजह से मैं मॉक टेस्ट अपलोड नहीं कर पा रहा था। हालांकि मैं खुद तो कर ही रहा था, बट अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो आज मुझे समय मिला है, तो आज मैं मॉक टेस्ट 10 करने वाला हूँ। अगर आप ये वाला मॉक टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हो तो कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स आप जरूर बताना, ठीक है? और अगर नहीं किए हो तो करके बताना, ठीक है? और आप मेरे को ये भी बताना कि ऑन एन एवरेज आपका किसी भी प्लेटफॉर्म से SBI कलर का मार्क्स कितना आ रहा है प्रीलिम्स में, ठीक है? वो जरूर शेयर करना आप मेरे से। और आई थिंक कल ओली बोर्ड पे ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट होने वाला है SBI कलर का, तो वो मैं कल करूंगा, तो कल अपलोड वीडियो मैं कर दूंगा, ठीक है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट को और देखते हैं क्या लेवल रहता है। लेट्स बिगिन द मॉक टेस्ट। एज यूजुअल यार, रीजनिंग से स्टार्ट होता है ये, तो पहले हम लोग मिसलेनियस करेंगे, क्योंकि मिसलेनियस से मैं स्टार्ट करता हूँ। ओनली फ्यू बुक्स आर नोवेल, ओनली फ्यू बुक्स आर नोवेल, नो नोवेल्स आर गाइड, ओके, सम गाइड आर डायरी, ठीक है? सम बुक्स आर नॉट नोवेल, सम बुक्स आर नॉट नोवेल, सही है। नो नोवेल्स आर गाइड, नो नॉवेल्स आर गाइड, सॉरी सॉरी सॉरी, सम बुक्स आर नॉट नॉवेल, सही है। और सम गाइड्स आर बुक, सम गाइड्स आर बुक, नहीं। और सम डायरीज आर नॉट नॉवेल, सम डायरीज आर नॉट नॉवेल, हाँ ठीक है, जितना ये आएगा वो एन नहीं है, ओके, यानी फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा इसका। सम ग्राउंड आर वर्क, ओनली फ्यू वर्क आर होम, सम ग्राउंड आर होम, सम ग्राउंड आर होम, नहीं, नो होम इज ग्राउंड, नहीं, यानी आइदर हो जाएगा ये। ओनली फ्यू फ्रूट आर वेजिटेबल, ओके, ऑल वेजिटेबल आर ग्रॉसरी, ऑल फ्रूट आर ग्रॉसरी इज पॉसिबिलिटी, हो सकता है। सम फ्रूट आर नॉट वेजिटेबल, सम फ्रूट आर नॉट वेजिटेबल, सही, यानी बोथ हो जाएगा ये। सम माउस आर कंप्यूटर, सम माउस आर कंप्यूटर, सम कंप्यूटर आर कीबोर्ड, सम कीबोर्ड आर माउस, सम कीबोर्ड आर माउस, नहीं, ऑल कीबोर्ड आर बिंग माउस इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है, यानी ओनली सेकेंड हो जाएगा ये। इसको बाद में करते हैं। टी से एस से टी जाना है, तो एस से वाई, वाई से टी नहीं हो पाएगा, आइदर केस आएगा ये, तीन साइन आ गया। एफ से एल जाना है, तो एफ से जे, जे से एल हो जाएगा, और एन से एच जाना है, एन से पी, पी से क्यू, क्यू से एच हो जाएगा, यानी बोथ हो जाएगा इसका। टी से एच, एस से के से एल हो जाएगा, एम से डी जाना है, तो एम से ए नहीं हो पाएगा, यही ओनली फर्स्ट फॉलो हो रहा है यहाँ पे। और डी से ओ जाना है, तो डी से जेड, जैसे टी, टी से ओ हो जाएगा, और जेड से ओ जाना है, जेड से ओ भी हो जाएगा, यानी बोथ हो जाएगा इसका। बोथ विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ही इज माई नेफ्यू, ही इज माई नेफ्यू, और सी इज माई वाइफ, सी इज माई वाइफ, आई लाइक माई मोबाइल, आई लाइक माई मोबाइल, सी डजंट यूज मोबाइल, सी डजंट यूज मोबाइल, 1 2 4 5, 1 2 4 5, 1 6 3 5, 1 6 3 5, 12 9 12 9 10 1, 10 और 1, 6 7 10 0, 6 7 10 और 0, 1 3 का क्या हो जाएगा, 1 3 का हो जाएगा H, और H वेज थी H, और ये हो जाएगा W, यानी कि सॉरी M और W, माई वाइफ, माई नेफ्यू स्पेंटर स्कोरेड एज डॉन 1/4, देन व्हाट इज द कोड फॉर ही, अच्छा ही का, तो एन का क्या है, एन का है, एन का 4 है, 4 5, 2 4 5, 4 है, तो 2 हो जाएगा इसका। मोबाइल का कोड हो जाएगा, मोबाइल का कोड वेयर इज मोबाइल, मोबाइल का कोड हो जाएगा 10,
165, 165, ओके। माई 6 का हो जाएगा एस माई, और क्या है, 5, 5 का क्या हो जाएगा, वेयर इज 5, 5 का इज, माई इज मोबाइल, नहीं सीज में ही होगा ना, हाँ सीज में ही, इसको बाद में करते हैं। ये है क्या, देयर से डिफरेंट हाइट है, ठीक है, 6 लोग हैं ना, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बी इज द सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन, ठीक है। एफ इज लाइटर देन डी, एफ इज लाइटर देन डी, ए इज लाइटर देन सी एंड डी, ए इज लाइटर देन सी एंड डी, एफ इज थर्ड हैवीएस्ट, एफ इज थर्ड हैवीएस्ट, एफ इज लाइटर देन डी, एफ इज लाइटर देन डी, एफ का 56 kg है, डी इज हैवीएस्ट इन द ग्रुप, ये तो सही है, बी इज लाइटर देन ओनली वन पर्सन, ये भी सही है अपने जगह, ओके। ए यहाँ पे हो जाएगा, सी और ई यहाँ पे, सी और ई यहाँ पे, ठीक है। एफ और बी का 116 है, ठीक है, अगर 116 है तो ये 60, 6, 5, 11, 60 हो जाएगा, तो डी का कितना होगा, 60 से ऊपर यानी कि 62 हो जाएगा। सेकेंड हाईवेस्ट पर्सन कौन है, सेकेंड हाईवेस्ट है बी, ओके, इसको बाद में करते हैं, वो सर्टेन नंबर, ठीक है, तो पहले इसको करते हैं, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 2 फ्लोर है, चार, सॉरी 4 फ्लोर है, 4, 3, 2, 1, और 2 फ्लैट है, 2 फ्लैट है यानी 1 एंड 2, ठीक है। एज मेनी फ्लोर आर देयर अबव डब्ल्यू एज बिलो क्यू, बट दे बोथ लिव ऑन द डिफरेंट फ्लैट, ठीक है, डब्ल्यू कितना जितना फ्लोर है, क्यू के नीचे उतना है, लेकिन डब्ल्यू और क्यू एक फ्लोर में नहीं आएंगे, एक फ्लैट में नहीं आएंगे। और टी लिव्स एबव भी ऑन द सेम फ्लैट, टी लिव्स एबव भी सेम फ्लैट, पी एंड टी लिव ऑन द सेम फ्लोर, पी एंड टी लिव इन द सेम फ्लोर, सही है। डब्ल्यू लिव एबव एस इन द सेम फ्लैट, डब्ल्यू जो है एस के ऊपर है, इन द सेम फ्लैट, ठीक है। एस हु लिव इन द वेस्ट ऑफ बी, एस जो है बी के वेस्ट में है, यानी बी के वेस्ट में इधर आएगा। आर लिव्स इमीडिएटली एबव क्यू, आर इमीडिएटली अबव क्यू, ठीक है। डब्ल्यू इज नाइदर ऑन द टॉप, डब्ल्यू इज नाइदर ऑन द टॉप, और नॉट इमीडिएटली अबव एस, एस के तुरंत ऊपर डब्ल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या किया जाए यहाँ पे, तो ठीक है, अगर डब्ल्यू यहाँ पे नहीं आएगा तो डब्ल्यू यहीं पे आ सकता है, ओके ओके, ठीक है। अगर अगर डब्ल्यू को यहाँ लेते हैं, ठीक है, और क्यू को यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो एस यहाँ हो जाएगा, भी यहाँ हो जाएगा, और क्यू के जस्ट ऊपर आर, यहाँ पे आर हो जाएगा, और एस के तुरंत ऊपर डब्ल्यू नहीं आएगा, चलो सही है ये, और क्या है, भी और टी, भी के ऊपर टी आएगा, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, क्यू के जस्ट ऊपर आर, ये भी सही है, वी एस, और कुछ दिया है क्या, हाँ तो पी यहाँ पे आ जाएगा, हो गया। ईस्ट ऑफ डब्ल्यू, ईस्ट ऑफ डब्ल्यू कौन है, आर है। 2 फ्लोर अबव यू, 2 फ्लोर अबव यू यानी यू यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि पी एंड टी दोनों है, बोथ 3 एंड 4। क्यू के फ्लोर पे कौन रहता है, यू रहता है, ओके। इमीडिएटली एवं भी यानी कि क्यू, कौन इनकरेक्ट है, 3, 2, R, फ्लोर 3, ये सही है, और फ्लोर 3, फ्लोर 1, डब्ल्यू नहीं, ये गलत है, फ्लोर 3, फ्लोर 1, डब्ल्यू नहीं, यहाँ पे क्यू, बाकी सब सही, इसको बाद में करेंगे, पहले ये कर ले। 7 बॉक्स स्पीकर एस टी आर के टोने वर्ड फ्रॉम स्टैक द टॉप मोस्ट इज नंबर 1, ठीक है।
द बॉक्स बिलो इट एस टू एंड सो ऑन, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस आ रहे हैं एंड बिलो बॉक्स आर, ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच छ सात, तो यहाँ पे आर हो जाएगा और देर इज वन बॉक्स बिटवीन आर एंड यू, आर एक छोड़ के यू और आर एक छोड़ के यू, यहाँ पे हो जाएगा बॉक्स पी जस्ट अबव बॉक्स भी, पी जो है जस्ट अबव बॉक्स भी क्या है, विच इज एन इवन नंबर, बॉक्स भी जो है इवन नंबर है, ओके। तो एक यहाँ पर पॉसिबिलिटी मुझे दिख रहा है और वो पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ दिख रहा है भी पी, भी पी और टी इज एव बॉक्स एस, टी जो है एस के ऊपर है, अनदर बॉक्स टी एंड एस इज एडजेसेंट टू आर, अच्छा ओके ठीक है। एस यहाँ हो जाएगा, टी यहाँ हो जाएगा और क्या बोला है, बॉक्स आर के जस्ट ऊपर कौन सा आएगा, बॉक्स आर के जस्ट ऊपर आ जाएगा क्यू। विच ऑफ द बॉक्स इज करेक्ट, बॉक्स यू जस्ट बिलो बॉक्स यू, नहीं बॉक्स आर इज एन ऑड नंबर बॉक्स, नहीं बॉक्स टी इज द टॉप मोस्ट, हाँ ये सही है। इफ ऑल द बॉक्स अरेंज इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन विच रिमेन्स द सेम, अच्छा तो भी यू टी भी यू ये हो जाएगा, टी नहीं होगा, एस आर क्यू पी नहीं, यानी ओनली यू। हाउ मेनी बॉक्स आर अबव बॉक्स भी, एक दो तीन चार पाँच, बॉक्स एस इज द बॉटम मोस्ट बॉक्स, ये हो गया एंड एंड लास्ट में ये वजह ये कर ही लेते हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ, ओ इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो, ओ जो है मिडल है, ठीक है। फोर पर्सन इज सिटिंग बिटवीन द पी एंड डी, ठीक है, पी एंड डी एंड बोथ डू नॉट सिट अगेंस्ट इन अदर रो, यानी ये जो है एंड पे नहीं है। एस सीट्स थ्री प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ टी, एस थ्री प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ टी, यानी कि दो बीच में आएंगे। जे सिट्स द इमीडिएट राइट ऑफ के, जे इमीडिएट राइट ऑफ के, ठीक है। थ्री पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड के, पी तीन छोड़ के, पी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, अच्छा एक छोड़ के पी यहाँ कर देते हैं, एक छोड़ के यहाँ, पी तीन छोड़ के, एक दो तीन छोड़ के, एक दो तीन छोड़ के। एक्स एक्स सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, यानी एक्स मान लो यहाँ पे आएगा, फिर एक छोड़ के एक्स यहाँ पे आएगा। फाइव पर्सन आर सिटिंग एस एंड एक्स, एक दो तीन चार पाँच, एस चार पाँच ये गलत हो गया, ठीक है। क्या बोला, टी दो छोड़ के एस, ठीक है, यहाँ पे जे हो जाएगा और पी तीन छोड़ के, पी तीन छोड़ के ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया ना, पी चार छोड़ के टी, एक दो तीन चार, तो ठीक है ये हो गया। और वो जो है मिडल में है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, यानी कि नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, यहाँ पे आएगा ओ, हो गया। तो 17 लोग टोटल हैं। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन ओ एंड पी, एक दो तीन चार पाँच, एक्सट्रीम राइट एंड पे कोई नहीं है, ओ इज सिटिंग फोर टू द लेफ्ट ऑफ पी, फोर टू द लेफ्ट ऑफ, एक दो तीन चार यानी के। करेक्ट, नो वन इज सिटिंग एट द बॉक्स, नहीं, एक्स इज सिटिंग एट द राइट एंड ऑफ द रो, नहीं, ओ इज सिटिंग राइट ऑफ द पी, ओ इज सिटिंग राइट ऑफ द पी, नहीं, के इज सिटिंग इन एग्जैक्ट मिडल ऑफ ओ एंड जे, ओ एंड जे एग्जैक्ट मिडल में, के जो है एग्जैक्ट मिडल है ओ एंड जे, नहीं नॉन ऑफ दिस होगा फिर ये, नहीं लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं है ना, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, के सिटिंग एग्जैक्ट मिडल ऑफ ओ एंड जे, नहीं यार एग्जैक्ट तो नहीं है, ओके अब क्या बचा ये कर लेते हैं। अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए टुवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन टू रीच बी, विच इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ ए, अच्छा
15 मीटर ईस्ट, यानी मान लो यहाँ पे ये बी है, यहाँ ए है ये। ही देन टेक राइट टर्न एंड वॉक 20 मीटर टू रीच सी, 20 मीटर टू रीच सी। ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 15 मीटर, ठीक है, वॉक 15 मीटर टू रीच पॉइंट पी। देन अगेन ही टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर टू रीच पॉइंट ई। ओके, ही टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20, ठीक है, टू रीच पॉइंट एफ। ओके, ही देन टेक राइट टर्न एंड वॉक 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर टू रीच जी, ठीक है, एंड फिर 10 मीटर लेता है, ठीक है, कहाँ पहुँचता है फिर, एच पे पहुँचता है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट बी रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ, बी का है बी और ये नॉर्थ ईस्ट। ए जी एफ सी, ठीक है, बी पी एच एफ, बी पी एच और एफ सही है, यानी पी और ई, नहीं पी और ई गलत है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ई, सी विद रिस्पेक्ट टू ई यानी कि साउथ वेस्ट। ये हो गया, अब ये कर लेते हैं, ये करते हैं। इफ इन द गिवन वर्ड पार्टिसिपेशन, इफ द वोवेल्स आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर एंड द कॉन्सोनेंट आर चेंज टू द प्रीवियस लेटर, ठीक है, तो एम एन ओ ए बी पी क्यू आर एस टी, एस हो जाएगा, आई का ओ हो जाएगा, जी एच आई नहीं, आई का जे हो जाएगा, आई का जे, बी हो बी सी का बी, आई का जे, और एम एन पी का ओ, ए का बी, टी का एस, आई का जे, ओ का पी और एन का एम, ठीक है। विच इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 10th फ्रॉम द लेफ्ट यानी चौथा सबसे बड़ा। यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा है यहाँ पे पी क्यू आर एस टी, एस बड़ा है, फिर एस बड़ा है, एस एस पी क्यू आर एस पी क्यू आर पी क्यू क्यू है, उसके बाद क्या है, पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस पी पी है फिर। इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द सेकेंड सिक्स एंड नाइन्थ, सेकेंड क्या है, ए है, और 1 2 3 4 5 6, फिर एम है, 6 7 8 9, फिर आई है, ठीक है। अच्छा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकेंड लेटर फ्रॉम द राइट एंड, तो यार ए एम आई का, हाँ एक तो बन रहा है एम, और कुछ तो नहीं बनना चाहिए, तो सेकेंड टू राइट यानी वन आई होना चाहिए, और कुछ बन रहा है क्या, एम ई नहीं, माई नहीं बनेगा, ई एम, एम ही मेरे को लग रहा है सही बनेगा, और कोई मुझे नहीं लग रहा है। सिक्स देखते हैं, सिक्स क्या बोल रहा है, इफ इन द नंबर प्राइम नंबर डिजिट आर इंक्रीज बाई वन, देन हाउ मेनी सच डिजिट आर देयर इन द दस फॉर्म विच अपीयर ओनली वन। अच्छा, प्राइम को वन से इंक्रीज करना है, यानी 7 का 8, 7 का 8, 4 का 4 ही रहने देना है, 2 का 3 करना है, 6 का 6 रहेगा, 3 का 4, 9 का 9, 2 का 3, 5 का 6 और 8 का 8। तो मतलब क्या आता है ना इसमें, हाउ मेनी सच डिजिट आर देयर इन द नंबर अपीयर ओनली वंस, ये 3 बार हुआ, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, और ये भी कट गया, ये भी कट, यानी ओनली 9, यानी ओनली 1 होगा फिर। अच्छा, सो रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया बिफोर द टाइम, नाउ लेट्स मूव टू द क्वांट सेक्शन। ओके, सो 9 8 72, तो प्लस 9 प्लस 8, 9 पूरे 45 यानी प्लस 9 प्लस 5 प्लस 9
प्लस 5 तो 9 9 81, 9 8 72, 8 9 72, 8 5 40। ये जो है इससे बड़ा है, इससे बड़ा, ये जो इसके बराबर, इससे यानी एक्स बड़ा भी है बराबर भी है। 10 2 20, 5 5 20, प्लस 5 प्लस 4, प्लस 5 प्लस 4, और 5 1 5 यानी प्लस 5 प्लस 1, 2 5 10 और 2। ये जो है इससे छोटा है, ये इससे बड़ा यानी सी एन डी। ओके तो 15 यानी 5 3 15, प्लस 5 प्लस 3 हो जाएगा इसका, प्लस 5 प्लस 3, और 12 5 60 यानी कि 12 5 60 यानी 15 6 60, तो प्लस 15 प्लस 4, प्लस 15 प्लस 4, और 12 से इंटू कर देंगे ऊपर, तो यहाँ पे 60 और यहाँ पे 36। ये जो है इससे बड़ा है, इससे बड़ा यानी एक्स जो है वाई से बड़ा है। ओके और 15 कम 15, प्लस 15 प्लस 1, 44, 11 चौके 44 यानी कि प्लस 11 माइनस 4, तो ये जो है इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये जो इससे छोटा है, यानी सी एंड डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 18 इसका हो जाएगा, 9 2 18 है, प्लस 9 प्लस 2, प्लस 9 प्लस 2, और ये 36 यानी कि 12, 9 चौके 36, प्लस 9 प्लस 4, प्लस 9 प्लस 4, ये 2 बार में कटेगा, और 2 9 18 यानी कि प्लस 18, 2 2 4, 18 जो है 9 से बड़ा है, 18 जो है 4 से बड़ा है, 4 जो है 9 से छोटा है, यानी कि सी एन डी इसका आंसर आ जाएगा। इसको बाद में करते हैं, विल डू इट लेटर, ये कर लेते हैं पहले। तो 35% 200 का हो जाएगा 70, ठीक है, और 12 7 84, ठीक है, प्लस एक्स इक्वल टू 37 काटते हैं, तो ये 9 7 63 9 7 27, हाँ 9 बार में कटेगा ये, यानी 90 हो जाएगा यहाँ पे। प्लस 13 कम 13, 13 कम 13 52, 13 चौका 52 यानी 196, 196 प्लस 100, 296 यानी 286, 286 यहाँ 14 यानी 300 हो जाएगा ये एक्स का वैल्यू। 78 और 16, 16 7 101 120, 16 8 128 यानी 2 2 4, और 1 2 4 8 हो जाएगा ये, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 2 8 5, 6 4 8, 6 4 8, 18 16 16 5 21, 2 1 क्या, 8 2 10, 14 14 4, 18 18 18 16, 1 2 4 1 5 6 5 11 1, 2 1, और 17 25 85 6 5 16, 8 7 2 34 34, और 8 34, और 8 42, 425 माइनस करना है, तो 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया तो 6, 7 में से 2 गया 5, 11 में से 4 गया 7, 1 7 5 6। ओके और ये क्या दिया, 12 50 25 25 25 125, यानी कि 50, 25 25 125 यानी कि 50, 50 चौके 200 प्लस 8 यानी 208 हो जाएगा। 25 का ऐसा स्क्वायर होता है 625, पेज पलट लेता हूँ, समझ में नहीं आ रहा हो, 25 का 625 होता है, और 30% यानी 25 75 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 700 माइनस 25 75 यानी फिर से 625 हो जाएगा ये, और माइनस 49 माइनस 20% ऑफ 10 यानी कि 2, तो 51 50 यानी ठीक है 25 सॉरी 25 यानी कि ये 575, 575 नहीं 574, एक और माइनस होगा, 841 होता है 29 का, ठीक है, और एक्स माइनस 2197 होता है 13 का क्यूब, इसकल टू 729 होता है 9 का क्यूब, और 676 होता है 26 का स्क्वायर, माइनस 172 यानी 12 का क्यूब होता है, ठीक है, तो 3 यानी 23 हो जाएगा, और 23 और 13 कितना हो जाएगा, 23 और 13 हो जाएगा 36, और 36 में 27 जाएगा यानी 7, यानी कि 2 बाई 5, 5 7 35, 50 25 75, 75 और 2 यानी 150, 150 हो जाएगा ये, माइनस ये होगा 3 बाई 4, 36 18 यानी 180, 180 यानी 330, प्लस 1 बाई 4, 4 4 225, 225 यानी कि 555, प्लस 121, कुछ गलत कर दिया क्या, अच्छा माइनस करना था ये ना, ओके ठीक है, तो 150 माइनस 180 प्लस
225 प्लस 121, तो यहाँ से माइनस 30, तो ये आएगा 195 और 121, 9 2 11 316, 60 75%, यानी कि 3/5, 5×5 45, यानी ये 45 हो जाएगा, प्लस 7×5 14 हो जाएगा, प्लस 125%, यानी कि 6/5, 5×5 40, 48 एक्स हो जाएगा ये, और माइनस 36 हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 68, 68 माइनस प्लस 9, ठीक है, तो माइनस 55 ठीक है, तो यहाँ -55 हो जाएगा, तो 5 4 9 4 1 5, 4 8 9 8 17 1, यानी 5 4 107 और 55 7 5 12, यानी 162, 36 12 में 6 6 और 25, लगभग 125 करीब जाएगा ये, यानी 5 का हो जाएगा ये, और 100 का 7, यानी 1/7, 7 9 14, 7 9 14 17 21, 1/3, 3 8 24, 3 9 27, 809 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 121 माइनस 13, 3 1 4 2 1 3, 134, और ये कितना, 8 2 10, यानी 1000, और 13 9 21, यानी 1021 हो जाएगा ये, माइनस 134, सॉरी 134, 4 1 5 3 2 5, और 1 1 1 1 5 6 समथिंग 34 का स्क्वायर आता है। अरे यार वो तो किया ही नहीं। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, आई एम कमिंग। जस्ट अ सेकेंड। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस फ्रेंड, आई एल बैक, लेट्स बिगिन, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको बाद में करते हैं, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, इसको बाद में करते हैं, ठीक है, इसको भी बाद में करते हैं, और अब चलो डायरेक्ट करते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, ये पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट में क्या दिया है, ठीक है, ठीक है, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, तो 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है परसेंटेज में, 25%, 25% यानी कि 1/4, तो 4 1 जा 4, और 4 3 जा 12, 13,500 हो जाएगा ये, 108 होता है 30%, यानी 3 4 12, 3 5 14, यानी 16,200 हो जाएगा, 72 होता है 20%, यानी कि 10,800 हो जाएगा, 54 होता है 15%, यानी 15 4 60 0 6, यानी 15 5 55, यानी 8,100 हो जाएगा ये, 36 होता है 10%, सॉरी 10% नहीं होता है, हाँ 10% होता है, तो ये 5,400 हो जाएगा। आर एन टी का डिफरेंस बिटवीन बताना, यानी आर एन टी, यानी 5,400 हो जाएगा इसका आंसर। इन अ सिटी सी, द रेशियो ऑफ द नंबर मेल टू फीमेल 17:7, क्यू का 17:7 होता है 24, ठीक है, तो किसका होता है ना, क्यू का 24, 162 और 24 बताना किसका है, क्यू का डिफरेंस बिटवीन बताना है, यानी 17 10 का यूनिट बताना है, तो 12 और 5, 12 1 12 और 4 12 36 12 25 60, 15 15 16 17, यानी 6 7 5 समथिंग कुछ आ रहा है। इन सिटी पी द टोटल नंबर ऑफ मेल इज 6250, एन सी सिटी, इन सिटी पी में 6250 है, ठीक है, और 13 में 6 गया, 13 में 7, यानी 7 250 फीमेल हो जाएगी, और 4,450 एस में है फीमेल, ठीक है, तो 8 में 4 गया, तो 4,100, और 450 और माइनस करते हैं, 3,650 मेल हो जाएंगे, ठीक है, तो
तो क्या बोलना है, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल सिटी पी, ठीक है 7,250, ये इसका रेशियो बताना है मेल के एस से, यानी 3,650, यानी 5 से 5 कट गया, और 0 0 बचे 5, 5 20, 50 25, 145, 5 7 35, 5 5 यानी 145:7 आएगा इसका, यही है ना, 5 7 35, 5 3 75, 73 आएगा, यानी 145:73। और पी क्यू आर टोटल पॉपुलेशन, यानी 13,500, 16,200, 5 6 7 6 3 9, यानी 2,970। और किसका, आर का 10,800, 8 7 15 81, 40,500। इन द सिटी आर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू द नंबर ऑफ फीमेल इज 7:5, आर में 7:5 है, 7 5 12, 12 9 108, 63 9 72। हाँ, मेल टू द फीमेल, मेल और फीमेल का, ठीक है कुछ गलत कर दिया क्या, 9 पर 45 होगा, नहीं 4,500, हाँ ठीक है। इन सिटी द रेशियो द नंबर ऑफ मेल टू द नंबर ऑफ फीमेल, टी का 5:4, 9 6 54, 6 5 30, 6 4 24। देन फाइंड द डिफरेंस इन द टोटल नंबर ऑफ मेल इन सिटी आर एंड टी, यानी कि 6 3 9 300, और फीमेल का यानी कि 5 4 9 4 5 6 9 00, 13 में से 9 गया 4, और 8 में से 2 400 आएगा इसका, सॉरी। ओके, ये हो गया। नाउ मूव टू द कैसलेट डी आई, विल टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ बिस्किट, पहले देख लेते क्या है क्या। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शो द डेटा ऑफ बॉक्सेस ऑफ 3 डिफरेंट आइटम पैक बाई 2 केक शॉप, ठीक है 2 केक शॉप है, तो यानी केक शॉप 1 और केक शॉप 2, 3 आइटम है, ठीक है, ये टोटल हो गया। पढ़ते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉक्स ऑफ बिस्किट, अच्छा तो मतलब बिस्किट है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स ऑफ बिस्किट बेक बाय बोथ द केक्स ऑफ 60, यानी 60 हो जाएगा। द रेशियो बिटवीन द बॉक्स ऑफ बिस्किट बेक बाय केक्स ऑफ 1 एंड 2, 5 7 5 12, 12 5 60, यानी 50 25, 7 पूरे 35, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ बॉक्स ऑफ सैंडविच बेक बाय बोथ द केक्स ऑफ इज 10, अच्छा सैंडविच 10 लेस देन द बॉक्स ऑफ बिस्किट बेक बाय बोथ द, अच्छा यानी 50 हो जाएगा यहाँ पे। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉक्स ऑफ सैंडविच बेक बाय द केस ऑफ 1 एंड 2 इज 6, इजी है, अच्छा यानी मान लो इसको एक्स मान ले, इसको वाई मान ले, तो ये 50, और इसको एक्स मान ले, इसको वाई मान ले, इससे यानी 6, लेकिन बताया नहीं है ना कि कौन बड़ा है। चलो आगे देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉक्स ऑफ कपकेक बेक बाय बोथ, यानी कपकेक बेक बाय बोथ केस ऑफ 70, ठीक है। द रेशियो इन द नंबर ऑफ बॉक्स ऑफ कपकेक बेक बाय केस ऑफ 1 एंड 2 16:9, यानी 9 6 15, यानी 35 हो जाएगा ये, 35 2 यानी 32, और 38, और केक शॉप इज टू बिग, अच्छा ठीक है, तो 56 का 28 हो जाएगा, और 44, 44 का 22 हो जाएगा, यानी कि 28 और 22, सॉरी। व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉक्स सैंडविच केक बाई सैंडविच बाई केक टू, सैंडविच बाई केक टू यानी 22। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ सैंडविच बेक बाय बोथ द शॉप सैंडविच, बोथ द शॉप हो जाएगा 50। फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ बॉक्स ऑफ सैंडविच बेक बाय केक्स ऑफ 1 एंड केक्स ऑफ 2 सैंडविच, यानी कि 14 11, टोटल आइटम केक्स, फाइंड द टोटल आइटम्स बेक बाय केक्स ऑफ 1, यानी कि 2 2 4, 4 3 7, 8 2 10, यानी 85। द बॉक्स ऑफ कपकेक बेक बाई कॉक सेफ 1, यानी 32, इज वॉट परसेंट बॉक्स ऑफ बिस्किट बेक ऑफ 1, बिस्किट यानी 25, यानी 25 चौके 4 2 8 4 3 12, यानी 128%। ओके, यहाँ जगह बचा नहीं, आगे कर लेते हैं, ये देखते हैं क्या है। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिस एंड ऑफिसर एम्प्लॉइज 2,000, द एवरेज सैलरी ऑफ 5,000, इजी है भाई साहब, निकल जाएगा। ऑफिसर का कितना है एवरेज सैलरी, ऑफिसर का है 5,500,
टोटल है एवरेज 2000 और इम्प्लॉयज का कितना है, इम्प्लॉयज का है 560, नहीं 1900। तो यहाँ से 100 निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 2500, यानी 1:25 का रेशियो आ गया। और नहीं, यहाँ पे 3500 आएगा ना, तो 35 का वैल्यू 56, ठीक है। ऑफिसर यानी 1 7 पूरे 35, यानी 5 से कम 5, 5 से यानी 16 आ जाएंगे ऑफिसर। इन शॉप पी द रेशो द नंबर ऑफ ब्लू पेन टू द ब्लैक पेन इज 12:25, ठीक है। ब्लू पेन और ब्लैक पेन का 12:25 है, एंड द रेशो ब्लैक पेन टू द रेड पेन 5:2, यानी 10 हो जाएगा यहाँ पे रेड पेन। इफ देर आर 220 रेड पेन यानी 22 इन द शॉप, देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू पेन इन द शॉप। ब्लू नेम 12 24, 2 12 24 26, 2 64, सॉरी। अ शॉपकीपर अलाउड टू सक्सेसिव डिस्काउंट एक्स परसेंट ऑन अ शर्ट व्हिच इज मार्क एट ₹2500, दो सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। और इसे 1764 पे बेचता है, डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना 2500 1764, तो ये जो 2500, ये 50 का स्क्वायर है 1764, ये शायद 16 42 का स्क्वायर है, 42 का है ये। इसका 200 फर्जा कर दो, 25 और 2 2 कम 2, 25 पे 4 का, तो 16% का, 16% का है, तो 18% का टू इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट, 18% का, यानी कि 50 से 41, 50 से 41, 2500 क्या बोल रहा है सेलिंग प्राइस यानी, ठीक है। तो 2500 ये कट जाएगा। 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 01 1701 होता है ना, हाँ 41 का स्क्वायर, हाँ वही होता है, नहीं सॉरी 81 होता है, 1681, तो 1681 इसका आंसर आ जाएगा। ओके। एक अलॉय है जो कि कॉपर जिंक कंटेन करता है 4:5 में, इस मिक्स विद अनदर अलॉय बी कंटेनिंग जिंक एलुमिनियम इन द रेशियो ऑफ 7:9, अच्छा, कंटेनिंग कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक को 4:5 में करता है, ठीक है। अनदर अलॉय बी है जो कि जिंक और एल्यूमिनियम को 7:9 में करता है, 7:9 में। द क्वालिटी ऑफ जिंक इन द फाइनल मिक्सचर इज 70, अच्छा 70, ठीक है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम इन द फाइनल मिक्सचर, अज्यूम द क्वांटिटी ऑफ जिंक इन बोथ द अलॉय ए एंड बी सेम, अच्छा इसको सेम करना है ना, तो ठीक है सेम कर देते हैं, यहाँ भी 35 कर देते हैं, यहाँ भी 35, तो 7 चौक 28 7 पूरे 35, 5 से 35 9 45, ठीक है। और ये 70 हो गया, दोनों में ये सेम है, दोनों में अगर ये सेम है, क्या बोल रहा है 70 kg, लेकिन यहाँ पे 35 है, अच्छा यहाँ भी 35 है, यहाँ भी 35 है, हाँ तो ठीक है ना, अगर यहाँ पे 35 है तो यहाँ भी 35 होना चाहिए, अच्छा तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। 70 का वैल्यू 70 है, तो क्या पूछ रहा है एल्यूमिनियम यानी ये 45 आ जाएगा। ओके ये वाला कर लिया, अब करते हैं इन अ कार्टून 45 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, 45 जो है वो डिफेक्टिव है, ठीक है। और वाइल 9/9/5 टाइम्स द डिफेक्टिव बल्ब्स आर नॉट डिफेक्टिव, 9/5 टाइम्स ऑफ द इफेक्टिव बल्ब, 50 25, 9/5 टाइम्स ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, 9/5 ऑफ डिफेक्टिव बल्ब आर नॉन डिफेक्टिव, तो 9/81 हो जाएगा नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ डिफेक्टिव बल्ब, अच्छा 5 1 6 8 4 12, 126/45, तो क्या हो जाएगा, ये 3 से कट रहा है ना, 9 से कट रहा है, 9 पूरे 45, 9 कम 9 9 से 63, 14 9 चौके 36, यानी 5/14 हो जाएगा ये। और सिक्स एक्सेस में 10% में फॉर क्या है, बोथ स्कीम पे इक्वल इंटरेस्ट, अच्छा ये 100 से 121 हो जाएगा, और ये 100 से 140, यानी यहाँ पे 40 का और यहाँ पे 21 का, इसको बराबर कर दे तो ये 2100, 14 कम 14 14 28 29 40, और ये 4000, और
यानी यहाँ पे 840 इतना आ रहा है, यहाँ पे 94, यहाँ भी 840 आ रहा है, ठीक है। तो बताना क्या है, ये मैं कितना किया, तो ठीक है, तो ये में 4,000 है। ओके, पाई पे कैन टाइम भी बीत गया यार। नो मूव टू दस इंग्लिश, तो सिनोनिम बताना है लीवरेज का। लीवरेज का मतलब होता है कि अ थिंग विच हेल्प यू टू डू समथिंग। तो कैपिटलाइज तो नहीं होगा, एम्पलीफाई मतलब इंक्रीज करना, यूटिलाइज का मतलब उपयोग करना, इनहेंस का मतलब कि और अच्छा कर देना, एक्सपेडाइट मतलब तेज करना। मुझे ज्यादा जहां तक लगा यूटिलाइज ही होना चाहिए इसका। इसको बाद में, होलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट, तो इसका अपोजिट बताना है, तो इसका सेलेक्टिव हो जाएगा। इसको बाद में करते हैं। अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना, अ बिग चेंज और इम्प्रूवमेंट इन द वे दैट समथिंग वर्क्स और लुक। रिवॉल्यूशन होगा, किसी भी बिग चेंज को रिवॉल्यूशन ही कहते हैं। व्हाट आर द क्रूशियल स्टेप, ये बाद में करते हैं। क्लिनटेक सॉल्यूशन पावर्ड बाई रिन्यूएबल एनर्जी कैन चेंज दिस वाइल ऑफरिंग अ 50 बिलियन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा कुछ सेंस बनता है, कंपटीशन टेक्नोलॉजिकल, पैसे की बात हो रही है तो इन्वेस्टमेंट ही होगा। इसको बाद में करते हैं, इसको बाद में, बाद में। ओके, फीलर्स आ गए यार, ये तो 1 2 3 4 मल्टीपल फीलर्स है ये, मेंटल हेल्थ, बट चलो इसे पार्ट ऑफ स्पीच से करते हैं, कॉन्टेक्स्ट भी हो जाएगा ये। मेंटल हेल्थ इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ, इंटीग्रल यहाँ पे कंफर्म है, इंटीग्रल ही आएगा, ठीक है। और बी कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, बी का यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ। इट इज मोर देन अ, इट इज मोर देन अ बी सी, इट इज मोर देन अ रिहेबिलिटेशन, नहीं, इट इज मोर देन अ फाउंडेशन ऑफ मेंटल हेल्थनेस, बी का ये हो सकता है। डी देख लें एक बार, इट इज मोर देन अब्सेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेस, इट इज द फाउंडेशन फॉर वेल बींग। हाँ ये हो सकता है, यानी कि बी डी ई हो सकता है। द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इज वॉट, इज रिस्पॉन्सिबल विथ, नहीं, इज असिस्टेड विद डिफेंस ऑफ इंडिया एंड एवरी पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग डिफेंस पॉलिसी। इट डील्स विथ इंटर, हाँ यहाँ पे डील्स कंफर्म है, यहाँ दूसरे पे डील्स आएगा, यानी कि बी आएगा, दूसरे में बी आएगा, तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे बी दिख रहा है मुझे, तो 6 आ जाते हैं। दिस इज, इसमें क्या करना है, मिस स्पेल्ड, सिग्निफिकेंट का स्पेलिंग सही है, गवर्नमेंट का सही है, एलोकेटिंग गलत है, डबल एल होगा, यानी सी में आया था। और रिबाउंड इन ग्लोबल इमिशन का स्पेलिंग गलत है, डबल एस होगा, यानी बी में आया था। अथॉरिटीज का स्पेलिंग गलत है, यानी ए में गलत है। एनविसेज डेटरेंस स्ट्रेटेजिक डिसुएडेड का स्पेलिंग गलत है, ए आएगा, यानी डी में एरर है। और इवन इफ, अच्छा ये एरर का आ गया, इवन इफ एवरी मेडिकल स्टूडेंट्स इन द कंट्री टुडे बिकम अ साइकियाट्रिस्ट, वी डोंट हैव इनफ पीपल टू सॉल्व द मेंटल हेल्थ क्राइसिस। इवन इफ एवरी मेडिकल स्टूडेंट्स, एवरी के आगे जो नाउन होता है उसमें वो प्लूरल आता है, ठीक है, लेकिन वो एवरी वन के बाद आता है ना, एवरी वन के बाद आता है, एवरी के बाद, एवरी के बाद जो नाउन होता है वो सिंगुलर ही आता है, एवरी मेडिकल स्टूडेंट होना चाहिए। वी डू नॉट हैव इनफ पीपल टू सॉल्व द मेंटल हेल्थ क्राइसिस, हाँ तो ए मेरा मुझे लग रहा है। द वर्ल्ड बैंक इज लेंडिंग अप टू ₹1 बिलियन टू हेल्प इंडिया विथ प्रिपेयरनेस फॉर फ्यूचर पेंडेमिक एज वेल एज टू स्ट्रेंथ इट्स, होगा ना, तो यहाँ पे इट इज है, तो डी मेरा है। व्हेन आई वेंट वाइन टेस्टिंग विथ माय फ्रेंड्स द अदर डे आई हैड द मोस्ट टेस्टीएस्ट, यार मोस्ट के साथ भी सुपरलेटिव नहीं आएगा, मोस्ट अगर लग गया तो ऑलरेडी सुपरलेटिव है, यानी टेस्टीएस्ट यानी टेस्ट होगा, तो सी मेरा है यहाँ पे। इफ द स्टूडेंट हैड फिनिश देयर असाइनमेंट, अच्छा ये कंडीशनल सेंटेंस आ गया, इफ द स्टूडेंट, अगर अगर कंडीशन के आगे पास्ट परफेक्ट लगता हो तो रिजल्ट होता है उसके साथ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, द टीचर वुड हैव असाइन होगा यहाँ पे, यानी सी में ऐड होगा।
ओके अनुराग ठाकुर, ये सिटी है, सिटी करते हैं, ऐसे करते हैं। द अनुराग ठाकुर अलॉन्ग विथ 31 मेंबर पार्लियामेंट्री पैनल हैज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ, अच्छा हैज समन, समन हो सकता है बुलावा, रेप्रिमेंड का मतलब होता है बदला लेना या फिर कुछ फटकार लगाना, कैजुअल नहीं होगा, प्रोसिक्यूट नहीं होगा, समन, और बाई पार्ट ऑफ स्पीच से भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हैज के आगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ समन ही दिख रहा है यहाँ पे। हैज समन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर जैक डोर्से टू अपियर बिफोर ट्विटर। अच्छा लगता है ये, बहुत 1 से 1.5 साल पुराना ये पैसेज है, क्योंकि यार अभी तो यार कोई लेडीज है और ये ट्विटर का नाम एक्स हो गया है, तो ऐसा पता चलता है यार कि ये जो आरसी है वो बहुत पुराना है। ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल मीडिया, इट इट हैज बीन स्पेकुलेटेड, हाँ इट हैज बीन स्पेकुलेटेड दैट दिस मूवी इज लिंक्ड टू ट्विटर रिलेटेड नंबर ऑफ सस्पिशियस अकाउंट्स वी कैन रिकॉग्नाइज एक्सपेंडिचर ऑफ ट्विटर पार्टीज ऑन सोशल मीडिया बट कैन बी इज बट कैन स्क्रूटिनाइज बट कैन स्क्रूटिनाइज एक्सपेंडिचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन सोशल मीडिया बट कैन बी स्क्रूटिनाइज द मनी स्पेंड बाई इंडिविजुअल एट द बिहेस्ट, एट द बिहेस्ट का मतलब ऑन द बिहाफ होता है, ऑन द बिहेस्ट यहाँ पे नहीं होता है, बिहेस्ट का हमेशा एट ही लगता है, तो एट द बिहेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दीज नेबुलस कनेक्शन विद इन द आर्किटेक्चर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैव इनेबल पॉलिटिकल पार्टीज टू मीट द डुअल गोल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पॉपुलैरिटी, द फोकस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रमोशन ऑफ कंटेंट देन जनरेट मोर यूजर एंगेजमेंट रेगार्डलेस ऑफ हाउ इन्फ्लेमेटरी द कंटेंट मे बी। हाँ यही होगा, इजी है सिटी। What we tend to forget is that social media is not an ideology or an idea or a mode of substitution, but a product built by companies to make profits. Okay, make profits as democratic. Elevating arduous, इसका मतलब ये तो नहीं आएगा, बस ग्रेडिंग आना चाहिए यहाँ पे, इसको भी ना बांध लगाते हैं। द स्मॉल आइलैंड इज कंपोज्ड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ स्टोन कॉलम्स, द स्मॉल आइलैंड इज कंपोज्ड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ स्टोन कॉलम फॉर्म टू कांस्टेंट कोस्टल मूवमेंट सच एज अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस एंड ऑकरिंग ड्यूरिंग द मेसोलिथिक, नहीं एंड ऑकरिंग तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पैरेललिज्म फॉलो आई थिंक हो रहा है, नहीं हो रहा है। द स्मॉल आइलैंड इज कंपोज्ड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ स्टोन कॉलम्स फॉर्म ड्यू टू कांस्टेंट क्रस्टल मूवमेंट अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस विच ऑकर ड्यूरिंग द मेसोजोनिक एज, जो कि हुआ था मेसोजोनिक एज उसके कारण, दैट ऑकर्ड, यार एक मिनट, जो दैट जो है यार वो दोनों साथ लगता है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों साथ, जो लेकिन जो विच होता है वो लिविंग थिंग्स के साथ ही लगता है, आई थिंक दैट मुझे यहाँ पे ज्यादा परफेक्ट लग रहा है, दैट ऑकर्ड। प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाई बोथ बीज एंड बर्ड्स वाइल बीज कैन पॉलिनेटेड While bees can pollinate about 20 flower heads a day, the Cape sugar bird in South Africa can pollinate up to the 300 flower heads a day. I think मुझे यहाँ नहीं लगा कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टर खुद वाइल एक कॉन्ट्रास्ट होता है। हाँ मुझे यहाँ नहीं लग रहा कि, क्योंकि बिकॉज के साथ वाइल कभी नहीं, एंड वेन नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है। The lake was really captivating because of thousands of ice bubbles shaped like pancakes caused by bacteria. caused by bacteria at the bottom of the lake keeping neutral stream, एक मिनट, the lake was really captivating because of the thousands of ice bubbles shaped like pancakes causing from bacteria at the bottom of the causing from bacteria हो सकता है। साइंटिस्ट फियर दैट ग्लोबल वार्मिंग कैन के साथ कभी भी वर्ड की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं आती है, कुड मेड हो सकता है, हाँ कुड मेक हो सकता है, कुड मेक एंड थर्मल इन्वर्जन इज अ फिनोमिना वेयर एज का हो गया, वेयर एज कॉन्ट्रास्ट का हो जाएगा यार, वेयर वेयर द टेम्परेचर इन द एयर इंक्रीजेज एट हायर, हाँ तो यहाँ पे वेयर होगा। ओके सो चलते हैं अब यहाँ पे, हाँ इसको स्किप कर लेते हैं। इलिजिबल द प्रोविजनल मोदी फिर रोल,
बिल्डिंग्स भारत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, मत्स्य संपदा, यानी ऑप्शन नंबर 3। और ये सही है। और ये क्या बोला है, टॉयल क्लिंटिंग हाउस में कैमी डोल लिवलीहुड, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर ही था ये ना, ये कहाँ गया, काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर, तो कहाँ पे है ये यहाँ है, ये हो ही गया, ये भी, ये नहीं हुआ है ना। ये व्हाट आर द थ्री क्रूशियल स्टेप मेंशन द पैसेज टू अचीव क्लिंटेक अडॉप्शन इन इंडिया, लिवरेजिंग नेशन कमेंट फ्रॉम प्रोवाइडिंग टू फार्मर नाइन, लिवरेजिंग नेशन प्रोग्राम इनेबल राइज कर फाइनेंस एंड फोस्टर पब्लिक मल्टी सेक्टर पार्टनरशिप, ये आई थिंक यही था, हाँ यही था, यहाँ पे दिया हुआ है ना ये, हाँ इनेबल राइज कर फाइनेंसिंग दिस रिक्वायर्स अपनी बैंक का निवेश, हाँ यही है, ये हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एम्फसाइज इंडिया रोल इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है ये जो रिसेंट इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस ग्रीन टेक सॉल्यूशन रूरल इंडिया बूस्टिंग लिवलीहुड, हाँ सही है। इंडियाज रूरल इकोनॉमी कैन ऑफर 50 बिलियन ग्रीन टेक, 50 बिलियन है कि 20, हाँ 50 बिलियन ग्रीन टेक नहीं को ऑफर किया गया है, किसके द्वारा, ग्रीन टेक सॉल्यूशन पावर के द्वारा, यानी कि ए एंड बी ही सही होगा इसका, कौन सा फॉल्स है, नहीं अर्बन पॉपुलेशन ये तो फॉल्स है, रूरल पॉपुलेशन होगा यहाँ पे, ठीक है ये सही है। यानी कि पहला गलत है, बाकी सब सही है। समराइज करता है द पैसेज, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ स्क्रीन क्लीन टेक फॉर इंडिया एंड डिस्कस विद द गवर्नेंस पुलिस, नहीं द पैसेज का आउटलाइन स्टेप टू फोस्टर क्लीन टेक प्लस मैन रोल इंडिया इन फर्दर इंपॉर्टेंस ऑफ लिवरेजिंग कवर प्रोग्राम इन लाइस के फैंस एंड प्रॉब्लम मल्टी सेक्टर पार्टनरशिप, हां ये हो सकता है, आगे पढ़ लेते हैं। द पैसेज हाईलाइट द परमिशन ऑफ मोदी नहीं, द पैसेज मेनली प्राइमरली यूजेस तो नहीं किया है यहाँ पे, फोकस नहीं किया है, और भी चीजें हैं। द पैसेज द इंडिया सोलर इकोनॉमी ऑन द वर्ज ऑफ, नहीं ऑप्शन नंबर सेकंड ज्यादा सुटेबल लग रहा है, 25 का देख लेते हैं। बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट, एलिवेटिंग का मतलब होता है बढ़ाना आई थिंक, हाँ बढ़ाना, एलिवेटिंग एस नहीं, तो यहाँ पे दिया है डेमोक्रेटिक की तरह दिखता है लेकिन ये है नहीं, तो आर्डुअस मतलब होता है जटिल, नॉस्टेमेनिया मतलब पता नहीं, डिस्टॉर्टेड का मतलब, डिस्टॉर्टेड तो यहाँ पे नहीं होगा, प्रिटेंड आ सकता है, तो प्रिटेंड लाइक कुछ है क्या, मैस्कुरेडिंग मुझे ज्यादा से लग रहा है, मुझे हालांकि नहीं पता मैस्कुरेडिंग का मतलब, बट इन चारों को, ये चार तो नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि ऐसा बोला है प्रिटेंड ऐसा करता है, तो मैस्कुरेडिंग ही यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है आया, चलो सबमिट करते हैं टेस्ट को। अगर देखा जाए तो इजी था आज का, मतलब इजी था, ऐसा तो पेपर मुझे नहीं लगता आने वाला है क्योंकि इजी है ये, और देखते हैं क्या रहता है। ओके अच्छा 99.99% टाइल आया है, मुझे लग ही रहा था इजी है, दैट इज वाई मैं आपको बोल रहा था, जिसका है काफी इजी है, रैंक 5 आया है और परसेंटाइल 99.9, 94 मैंने अटेम्प्ट किया था जिसमें 90.25 मेरा आंसर आया, देखते हैं कहाँ गलत हुआ है, आई थिंक रीजनिंग ने तो क्वांट में एक दो गलत हुआ होगा, इंग्लिश में भी हो सकता है एक दो गलत हुआ हो। ओके सो रीजनिंग में एक गलत हुआ है 24 का, अच्छा ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में चलो गलत नहीं हुआ है, इंग्लिश में दो गलत हो गया है, 27
अच्छा, नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आएगा, बट वाइल देखते हैं जरा। अच्छा एंड वाइल आएगा यहाँ, ठीक है। इसका एंड कॉस्ट भाई नो इम्प्रूवमेंट नीडेड, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था मेरा एनालिसिस। आप बताना यार कि आपका इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आया था, और मेरे अकॉर्डिंग जो इसका लेवल था वो इजी था, इजी टू मॉडरेट भी नहीं था, इजी था। ठीक है, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आपके लिए इजी था, बट अगर आपका प्रैक्टिस उतना अच्छा नहीं है तो आपका आपके लिए इजी टू मॉडरेट होगा। जैसे कि जो नए बिगिनर्स हो गए उनके लिए तो भाई अच्छा लेवल था, बट जो रिपीटर्स हैं, मेरे तरह प्रैक्टिस का हो चुका है, ठीक है, उनके लिए इजी था। ठीक है, चलो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कल आपसे मैं भी मिलूंगा ऑल इंडिया लाइक मॉक टेस्ट के साथ। ठीक है, और फ्रेंड्स एक चीज़ है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा जहाँ से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।